फ्रेंड्स, आज मैं आपको पनीर लबाबदार का रेसिपी दिखाऊंगी, जिसमें मैंने लहसुन, प्याज और अदरक का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके लिए हमें पनीर क्यूब में कटे हुए चाहिए। ये पनीर मेरा करीब 300 ग्राम है, ओके। उसके बाद 3 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए, 2 या 3 लाल मिर्च, 3 इलायची, 2 लौंग और थोड़ी इंच हाफ इंच दालचीनी के खड़े गरम मसाले, 3 सूखी लाल मिर्चें, ये इसे हम मेलन सीड बोलते हैं, ठीक है, ये 1.5 टेबलस्पून, काजू आपका करीब 12 होंगे, 12 दाने ऑफ काजू, ओके। नमक स्वादानुसार, चीनी 1 छोटी चम्मच, कसूरी मेथी, ड्राई कसूरी मेथी करीब 2 टीस्पून। मसालों में मैंने हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, मैगी का मसाला मैजिक 1 पैकेट और किचन एवरेस्ट का किचन किंग मसाला, ये वाला दोस्तों, ये मसाला मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है, आप भी यूज़ कर सकते हो। और मैगी का ये पैकेट जो आता है मसाला ए मैजिक, इसका 1 पैकेट। और तलने के लिए सरसों का तेल, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बटर भी यूज़ कर सकते हो, मैंने सरसों का तेल ही यूज़ किया है, 2 बड़े चम्मच। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें साबुत खड़े गरम मसाला डाल देंगे, फिर इसमें हम सूखी लाल मिर्च, फिर ये मगज और काजू, ये भी हम तेल में डाल देंगे। जब ये थोड़ा थोड़ा लाल हो जाए तो इसमें टमाटर और ये मिर्ची भी हम इसमें ही डाल देंगे। जब आप इसमें पनीर सॉरी जब आप इसमें मगज इसमें जो काजू और जब हम मेलन सीड डालते हैं तो ये बहुत जोर चटकता है, तो दोस्तों सावधानी से इसमें डालें। यहाँ हम बिल्कुल थोड़ी सी नमक डालेंगे ताकि टमाटर थोड़ी सी तरह से गल जाए। जब ये टमाटर कुछ इस तरह से हो जाएं, तब आप इसमें सारे मसाले डाल दें जो ये थे, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, मैगी मसाला एंड किचन किंग मसाला, इन सारों मसालों को इसमें डाल दें, डालकर अच्छी तरह से मिला लें। जब मसाले भूनते हैं ना, उस समय आप आधी कटोरी जिसमें मैंने मसाले रखे थे मैं उसी में पानी देकर इसमें थोड़ा
डालकर मिक्स करूँगी ताकि मसाले सब एक साथ अच्छी तरह से मिल जाएं। और इसे ढककर करीब 2 मिनट तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब टमाटर इस तरह से अच्छी तरह गल जाए, इस स्टेज पर आप गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। और ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लेंगे। मैंने मिक्सर को ठंडा करके मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लिया है। अब मैं इसे उसी पैन में, जिस पैन में हमने बनाया था, उसी पैन में फिर से हम डाल देंगे। और जिस जार में हमने सारे मसालों को पीसा था उसमें थोड़ा पानी डालकर उस पानी को भी इसमें हम डाल देंगे। आप गर्म पानी यूज़ करना, ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज़ मत करना। इस अच्छी तरह एक मिक्स आने के बाद हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे और स्वादानुसार नमक, क्योंकि हमने जब टमाटर को पकाया था तब भी हमने इसमें नमक डाला था, तो आप अंदाज से इसमें अपने स्वादानुसार नमक डालकर थोड़ा मिक्स करें। अब जो पनीर के टुकड़े हम काट कर रखे थे, उन सारे पनीर को इस ग्रेवी में थोड़ा थोड़ा कर मिक्स करते हुए हम दे देंगे। जब इस पर उबाल आ जाए तो हम कसूरी मेथी जो रखे थे, ये वाला, इसे भी इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। और इसे ढककर करीब 2 मिनट तक सीम पर हम इसे पकाएंगे। दोस्तों, 2 मिनट हो चुका है। अब देखिए हमारा पनीर लबाबदार देखने में कितना ही मस्त लग रहा है। हमारा पनीर लबाबदार बिना लहसुन प्याज और अदरक का बनकर तैयार है। अब आप इसे अपने मनपसंद राइस या रोटी के साथ सर्व करें। थैंक यू।